हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो गाइज, ये है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जॉम्बी मोड का जो गाइड सीरीज हम लोग बनाने वाले थे उसका एपिसोड 1। और इधर हम लोग बात करेंगे जितने भी पर्क्स है गेम में, बेसिकली 7 पर्क्स है, कि उनका लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ मिलेगा और उन सभी का यूजेस क्या है। तो ये ओवरऑल गाइड बनने वाला है सिर्फ पर्क्स के ऊपर और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज बताओ यार, ये जो सर्वाइवल मोड है ना, ये आपको कैसा लग रहा है। मतलब दो रेड मोड है वो तो भाई काफी सही है, बॉस फाइट भी है, 15 मिनट्स में खत्म भी हो जाते हैं, दोस्तों के साथ मजा भी आता है। बट मैंने ये जो सर्वाइवल मोड है इसको ट्राई किया, लिटरली भाई 20 लेवल्स के बाद बोरिंग सा होने लगा। तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपको ये जो पर्टिकुलरली सर्वाइवल मोड है वो कैसा लगा और कितने लेवल तक हाईएस्ट आपने रीच किया। तो शिनोनुमा मैप जब ओपन होता है, मैप कुछ ऐसा दिखता है और आपके रिस्पॉन पॉइंट पे ही आपको एक पर्क मिल जाता है जो कि है क्विक रिवाइव। 500 पॉइंट लगते हैं उस पर्क को ओपन करने के लिए और ये बेसिकली काम क्या करता है, ये आपको एक एक्स्ट्रा रिवाइव का टोकन दे देता है। मतलब बेसिकली होते हैं 3, वो हो जाते हैं 4। देन अभी आप इधर मैप पे देख ही सकते हो और 4 पर्क्स आपको मिल जाते हैं, बॉटल्स के साइन हुए है। तो कुल मिलाकर हो गए 5 पर्क्स, लेकिन और 2 पर्क्स है जो कि हिडन होते। तो मैप देख के आप इजीली इन 4 पर्क्स को रीच कर पाओगे। और एक और चीज ये भी है कि ये जो पर्क्स होते हैं ये सभी अपने पोजीशंस चेंज करते रहते हैं। तो अगर कोई पर्क इस मैच में साउथ ईस्ट पे है तो वो नेक्स्ट मैच में नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट पे भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑलवेज एक ही जगह पर रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं वो जो हिडन पर्क्स के लोकेशन, वैसे आपको पता भी होगा इतने दिनों से खेल रहे हो। बेसिकली आपको क्या करना है, नीचे उतरना है जहाँ पे आप स्पॉन हुए, उधर से नीचे उतर के जो टेबल्स वगैरह है या फिर जो शेल्व्स है उनको सर्च करना है, या फिर फ्लोर पे भी आपको गियर टाइप के कुछ चीजें मिलेंगी। तो ऐसे 2 गियर टाइप की चीजें मिलेंगी जिसको आप पिकअप करना है, पिकअप बटन आएगा, देन 2 पार्ट्स को पिकअप करके घर के बाहर निकलना है, स्टेयर्स पे चढ़ना है और उधर एक लिफ्ट होगा जिसको आप मरम्मत करोगे, मतलब रिपेयर करोगे। तो 2 पार्ट्स यूज करके रिपेयर करो, देन लिफ्ट को स्टार्ट करो, एक ब्लैक एनिमेशन होगा, नीचे जाओगे अंडरग्राउंड पे, उधर लेफ्ट पे और राइट पे 2 घर मिलेंगे। अभी मैं गेम प्ले पे भी थोड़ा सा शो कर देता हूँ। तो लेफ्ट वाले घर में आपको एक पर्क मिलेगा और राइट साइड के घर में आपको दूसरा पर्क मिलेगा। तो ऐसे करके आपको मिल गए हिडन 2 पर्क्स और 4 कॉर्नर से आप ले सकते हो बाकी और 4 पर्क्स और एक तो स्पॉन में ही है। हो गए कुल मिला के 7 पर्क्स। तो चलो अभी एक के बाद एक सभी के यूजेस बताते हैं। क्विक रिवाइव का तो मैंने बता ही दिया। देन है डबल टैप। तो डबल टैप क्या करता है, बेसिकली ये 2000 पॉइंट्स लेता है कलेक्ट करने के लिए और इसके बाद आप जो भी वेपन्स चलाएंगे एक साथ 2-2 बुलेट्स फायर होंगे, मतलब कि डबल एमओ फायर होगा। देन है डेडशॉट डक्वीडी, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया, 1500 पॉइंट्स लेता है और भाई सीधा एनिमी को हेडशॉट मारता है, मतलब वही एम बॉट वाला काम करता है और इससे गेम आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। देन है जगर नॉक, तो ये 2500 पॉइंट लेता है और बेसिकली ये हेल्थ बूस्ट है काइंड ऑफ, क्योंकि इससे आप ज्यादा से ज्यादा जोम्बीज का डैमेज झेल सकते हो और इंस्टेंट नॉकआउट नहीं हो जाते हो। उसके बाद है इलेक्ट्रिक चेरी, तो इधर आपको स्पेंड करने पड़ते हैं 1500 पॉइंट्स और इसके बाद जब भी आप अपने वेपन को रिलोड करते हो आप में से एक इलेक्ट्रिक वेव निकलता है जिससे सामने वाली जोम्बीज कुछ टाइम के लिए स्टन हो जाती है, हिल नहीं पाती है और आप इजीली रिलोड करके देन उनको मार सकते हो। देन है स्टेमिना जो कि 2000 पॉइंट्स लेता है और स्टेमिना लेने के बाद भाई आप इजीली जोम्बीज को ठेंगा ठिका के भाग सकते हो। बेसिकली ये आपके पैरों पे जेट पैक्स लगा देता है, मतलब बहुत तेज दौड़ सकते हो आप इससे। एंड फाइनली आ जाता है स्पीड कोला, 3000 पॉइंट्स लेता है जिससे अभी आप फास्टर रिलोड कर सकते हो। इधर आप स्क्रीन पे देख ही लो, मैं इधर लिटरली भाई LMG को इतना फास्ट रिलोड कर पा रहा हूँ जैसे मैं कोई AR गन को रिलोड कर रहा हूँ। तो गाइस यही थे हमारे 7 के 7 पर्क्स और जब भी आपके पास ये 7 पर्क्स होंगे तो भाई गेम पे और भी इजी हो जाता है। बट एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप कम्प्लीटली किल्ड हो जाते हो, किसी ने आपको रिवाइव भी नहीं किया, एकदम अकेला छोड़ दिया और आपने रिवाइव टोकन भी यूज नहीं किया, तो आपके वेपन्स तो जाएंगे ही, उसी के साथ ही साथ ये पर्क्स भी चले जाएंगे, फिर से लेना पड़ेगा। सो गाइस यही था इस छोटे से वीडियो में, पहला एपिसोड था और हमने एक्सप्लेन कर दिया कंप्लीट जोम्बी पर्क्स को। नेक्स्ट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जितने भी बप्स आइटम्स है उनको और जोम्बी मोड रिलेटेड। आपका कोई और अगर क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो नीचे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो। तो चलो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगला वाला वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय।